आप लोगों के लिए बहुत फंक्शंस करते रहते थे, साल में एक या दो फंक्शन अलग अलग सिटीज में करते थे। और अभी जो कोरोना वायरस का जब लॉकडाउन हुआ था तो वृंदावन में जो 15 लोगों ने परिजी से आए थे, सॉरी मथुरा से आए थे, और उन लोगों ने हवन किया था, हम लोगों ने उनके साथ रह के हवन किया था। आप लोगों को अपनी शक्तियां नहीं पता, संस्थान बहुत काम करती है। आज संस्थान में जो 20 लाख लोग हैं और पूरी आज भारत और वर्ल्ड में जितने भी आज साई भक्त हैं, 1.5 बिलियन लोग हैं। और क्रेडिट करते हैं कि आज सिटी बना तो आपकी बदौलत, बहुत क्रेडिट करते हैं कि आज आपकी बदौलत। बाबा का एक विचार जो लोग बहुत लोग नहीं जानते, और इसीलिए हम आपसे मिलना चाहते थे, जितना आप लोगों की दुआएं देंगे दुनिया उतना ही, जितना कष्ट चल रहा है दुनिया में कम हो। आप लोग अपनी शक्ति ही नहीं करते, और आप सबके ईश्वर जो है वो शिव। जब भी आप लोग अपना मन को बंद करके एकाग्रता से शिव को याद करें, उतनी ही शक्ति आपके मिलेगी और आपके कोई काम नहीं होगा। आज हम आप लोगों से थोड़ा सा साई प्रसाद लेके आए हैं। आप लोगों को जो हमारे अलग अलग लोगों ने डोनेशन दी है, और खाली आप लोगों से कामरे करने आए हैं। तो साई बाबा की फोटो तो हम आपको सबको भेज देते, तो आप शेयर कर लीजिए, तो भी आप शाम को देख लीजिएगा। अपने जो आज लोग रह रहे हैं जो तकलीफ में, अगर आप अपनी शक्ति इस्तेमाल करके उन लोगों को दुआएं दोगे, तो उन लोगों के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ेगा। और आप लोगों को एक एक्टिविटी जो होगी है कि हर इस तरफ प्यार से देखो। हम तो ये चाहते हैं कि जैसे हम इस भारत में डिसेबल क्रिकेटर्स के साथ जो तो पिछले साल वर्ल्ड कप जीते हैं, हम लोग ने बहुत संघर्ष किया हमको वर्ल्ड कप खिलाने का, और इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था सितंबर में, उसमें दीपा मलिक भी है, नीरज यादव भी है, ये सब लोग हैं हमारे साथ, हम उनके साथ बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं। हम भी चाहते हैं संस्थान कि हम आपके साथ कुछ मिल के ऐसा करें, आप लोग मेहनत करो और आपका सामान हम जाके लोगों को बेचें, उसमें जो आमदनी हो वो सब आपको मिले। एक खाली बात है आपसे करने की, अगर उसमें आपको तर्क लगा, अच्छा नहीं लगता कि आपकी जैसी शक्ति के लोग सड़क पर जाए और किसी से कुछ मांगे। आप लोगों की शक्ति दुनिया में से बहुत ऊपर पहचानने की कोशिश की। तुम्हारा मकसद इधर आने का है क्योंकि बाबा ने अपने जीवन में आप लोगों को बहुत उच्च काम दिया है, और बहुत कम संत और अगर हम बाबा की राह पे चल रहे हैं और पूरी जिंदगी अपना 20 साल बाबा का प्रचार ही हम गांव गांव गली गली करते रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है आप लोगों को बोलना कि आप अपना अस्तित्व जानिए। हम जो 10,000 बार पूजा करते हैं, आप खाली 2,000 बार पूजा करेंगे, आपकी शक्ति के सामने भगवान झुक जाएंगे। ये बात मैंने भी बोली, गुरु नानक ने भी बोली, उन्हें साईं बाबा ने भी। हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करिए जहां पर आपको अच्छी आमदनी, पॉक्स बना सकते हैं, कारीगरी के काम दे सकते हैं,
संस्थान ऐसे बहुत काम है जो हम आपको दे सकते हैं। अगर आपको पहला दिन है तो आपकी जो हेड है उनके साथ हम बैठ सकते हैं और अगर आप चाहें तो काम शुरू हो सकता है। और वही काम जो आप बनाते हैं हमारे संस्थान में 20 लाख लोग हैं, सब लोग बहुत लोगों को खरीदे क्योंकि हम बहुत लोगों को बोलते हैं कि जाओ आपकी सेवा करो। और आज भी कोई आप लोगों को श्रृंगार बहुत पसंद है तो आप सबके लिए श्रृंगार किट लाए हैं, तो साथ लाए हैं और कोविड की शील्ड लाए हैं। अब कोविड की शील्ड है जो आप लोग बना सकते हो, बहुत आसान है बनाना। एक एक शील्ड पे 5-5 रुपये बन सकते हैं, अगर दिन में आपने 100 कटे तो 500 रुपये की कमाई और हमारी संस्था 800 खरीद सकती है। अच्छा नहीं लगता सड़कों पर जाएंगे। आज हम खाली उत्तेजना देने आए हैं, ऊर्जा देने आए हैं और अपने आप को पहचानिए। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम चाहेंगे कि आपको प्रसाद दीजिए और आपके हेड को अपना लिंक दे देते हैं फिल्म का, पूरी आप शाम को बैठ के वो फिल्म देखिए जो हमारा एक छोटा प्रयास है जिससे पूरे क्षेत्र को पूरे भारत को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी हमारे को प्रेसिडेंट और किया था उस फिल्म के लिए। तो आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि मुझे मौका मिल रहा है आप लोगों से बैठ के बात करने का और आपकी दुआएं लेने का। थैंक यू। लेकिन सर क्या हमें समाज एक्सेप्ट करता है? सर पिछले 9 साल से एनजीओ में और पिछड़ा कम्युनिटी के लिए मैं काम कर रही हूँ। आप लोग भेजे नहीं है, आप लोग किलर। पहली बात। दूसरी बात, अपना अस्तित्व खुद आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सर। अभी जैसे कि मेरे पास सबसे अच्छा एग्जांपल रॉनिक है। रॉनिक अच्छा एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, वेल तो नहीं कहूँगा, अच्छा एजुकेटेड है। जॉब के लिए कहीं भी जाते हैं, उसकी हरकतों को देख के उसको नहीं लेता। जॉब कर रहे हम तो बोल हम कहते हैं कि हम आपको ऐसी ऐसी चीजें देते हैं बनाने के लिए। ठीक है, पेरेंट्स ने क्या रौनक तेरे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया? पेरेंट्स इसलिए नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, वो सोचते सोसाइटी से अलग है। मगर हाँ तो समाज को कभी तो एक्सेप्ट करना है ना, कोई तो खड़ा होगा समाज के लिए। एक दिन एक आदमी आएगा खड़े होने के लिए। ठीक है, नीलम जी आगे आ गए हैं। हमने जब सुन हमने जब फिल्म बनाई थी तो बहुत बड़ा बिजनेस था हमारा, सब लोग प्रणय रॉय सब लोग बोलते थे कि क्या आवश्यक थी फिल्म इंडस्ट्री में आए हो एक फिल्म बनाओ। सुभाष गई आके बोलते क्या तो मेरे साई बाबा की फिल्म नहीं, सुभाष गई की फिल्म यादें आई थी और यादें का डिस्ट्रीब्यूशन राइट थी हमारे पास बिहार में। मैंने कहा सुभाष ने मेरी बात तो बोल दी, ये फिल्म जिंदगी भर याद रहेगी, तेरी रादे पिट जाएगी। और बोली बोल आज तक उसके बाद उससे फिल्म नहीं करती, उसने उनके बाबा को खूब दे दी। और वही पोज बाबा का हमारा हम उनको बात करते हुए वही पोज आज हर घर के मंदिर में आज 15 साल में बाबा का जो प्रचार हुआ है कहीं हमने जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि कैसा हुआ। और सबके मास्टर्स आप सबके मास्टर खाली साईं बाबा जिनने शेटी में रहते हुए वहां पर इन लोगों को बहुत इज्जत दी थी। शिवनी जो इसको कोड था और उनको हिजड़ी के नाम से बोला जाता था, उन्हें उनका कोड और सब कुछ ठीक किया। और आज सबसे बड़ा वरदान क्या है आप लोग नहीं जानते, हम बताना चाहते हैं आपको।
कभी भी कोई आदमी को कोई दर्द हो, एलियन हो, कैंसर हो, आप लोगों को जाके साई श्रृंगार या कुछ अच्छे कॉस्मेटिक्स दे देगा, उसका कोर ठीक हो जाएगा, उसका कैंसर ठीक हो जाएगा। वादा करते रिटन पेपर पे लिख के दे देते या आपको आपको हमें 8 साल हो गए हमारे टीवी शोज पे देखे, हम बोलते रहते हैं जाइए बिजड़ों को देखभाल के उनकी दुआएं मिल जाए। कभी कभी क्या होता है, शक्ति मनुष्य नहीं जाता, मगर परमात्मा तो आपको जानता है। जिसे कह सकते हैं आप किसके आंसर को ले, परमात्मा के, आपको क्या मनुष्य से लेने देना। आप करके देख लीजिए, आप कर ट्राई कर लीजिए, किसी को कैंसर है जाके दुआएं दे दीजिए, अगर वो ठीक ना हो बोले औषधि जी आपने गलत बोला। आज किसी संस्थान से इतने लोगों का हम लोगों को बोलते हैं, चाहे वो अमेरिका में है चाहे कहां पे, आप जाते हैं लोगों को देखभाल करो, और जिन जिन ने किया उनके घर हर कल हो, और उन्होंने एक सेवा ही शुरू कर दी हर महीने उनके साथ। तो अगर आपका जीवन की दुआएं देना है तो दुआएं दो, उससे पैसा कमाने में क्या बड़ाई है, ब्राह्मण कमाता है ना, पंडित बुलाता है। आज मैं खाली आपको यही बोलने वाला हूं, अपने आप को बचाना, कोई मनुष्य से ना डरिए, क्योंकि अंदर आपकी दुआओं में जो पावर है किसी में है। हम आपको क्यों बोले तो काम शुरू करिए, आपसे मिलिए अगले 10 दिन के अंदर आपके हेड से हम मिलते हैं, हम बोलते हैं कि ये काम शुरू करिए, सबके आपको भी शुरू करिए, संस्थान आप करी देंगे। जिसके अंदर जो कैपेबिलिटी अच्छी बना सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, भी अच्छी बना सकते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। आज तक दवाई नहीं निकली, दवाई नहीं, आज तक कोरोना वायरस की दवाई नहीं निकली, मगर हमने पिछले सितंबर में उठा के देखे बोला था कि 23 मार्च को महामारी आने वाली है, एक वीडियो है, और हमने बोला ये महामारी का एक ही उपाय है, जब तक वायरस का नहीं होगा बाबा की विभूति लेके चाटते रहो। आज तक जिस आदमी ने विभूति चाटी है उस आदमी को गैर मरण है, और विभूति बनती किससे, बनती किससे, उपले से, गोबर से, गोबर के उपले से और लकड़ी से। गोबर में इतनी शक्ति है, हम लोग वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, हम अमेरिका को देखते हैं, कोको कोला हमें पीना है, हम लोग यहां रहकर अपना अस्तित्व ही नहीं जानते। आप लोग जागृत होइए, आप लोग अपना अस्तित्व सबसे पहले कुछ वक्त के लिए आपको अपने आप को पहचानना है। 2 दिन खाली शिव की पूजा ओम नमो शिवाय करके करिए, साक्षात आपको दर्शन होंगे, और आपको क्या होता है आप अपनी शक्तियों को तब पहचान दे, और जाके किसी व्यक्ति को वैसे उसको दुआएं दे दो कि बेटा को ठीक जाए, और 1 महीने के बाद होगा उसको नौकरी ले लेगी, उसकी नौकरी लग जाएगी। अपने आप की शक्ति अपने आप को पहचान दो। सबको